अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद फ्रॉम फैल्कन एलईडी लाइट्स। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नियॉन लाइट पे। नियॉन लाइट को आप किस तरह से कट कर सकते हैं, कट करके इस पे कनेक्टर किस तरह लगा सकते हैं, तो आज हम आपको इस पे एक कनेक्टर लगाना सिखाएंगे और इस पे ब्रीफ आपको एक इस इंट्रोडक्टिव वीडियो देंगे। सो गाइस, मसला ये रहता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिशियन को हायर करना पड़ता है, जो कि आज के दौर में बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप घर में खुद से भी कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में ये एक नियॉन लाइट का एक पीस है जी, जिस तरह आप देख सकते हैं। और गाइस, इसमें आप देखें, ये नियॉन लाइट जो है ये रोब लाइट की ही एडवांस फॉर्म है, लेकिन इसके यूज़ का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। यूज़ के ऊपर एक हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप नियॉन लाइट को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी वीडियो के साथ अटैच कर दी जाएगी, तो आप वो भी देख सकेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। आप सबसे पहले, जब आपने आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नियॉन लाइट और दूसरा कनेक्टर है, ठीक है जी। कनेक्टर जो है ये 220 वोल्ट कनेक्टर है, इसमें 12 वोल्ट भी आता है। 12 वोल्ट वो लाइट्स होती हैं जो बैटरी पे, सोलर पे, इन सब चीज़ों पे चलती हैं। जो नॉर्मली हमारे घरों में जो लाइट चलती है जी, वो 220 वोल्ट होती है। सो ये जो हमारे पास नियॉन लाइट है जी, ये 220 वोल्ट की नियॉन लाइट है, और इसके साथ जो कनेक्टर है ये भी 220 वोल्ट के लिए ही है, ठीक है जी। सबसे पहले गाइस, मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसमें कनेक्टर लगाएंगे, ठीक है जी। तो आपने देखना ये है कि ये बेसिकली जो भी रोब लाइट, नियॉन लाइट्स होती हैं, ये मीटर के हिसाब से होती है। तो हर मीटर के बाद इसमें कटिंग की ऑप्शन दी जाती है। अगर आप ये देख सकें, मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको देखना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे एक मीटर के बाद यहाँ पे एक ब्लैक से कलर का एक साइन नज़र आएगा, जो प्रेजेंट करेगा कि ये एक मीटर की रोब लाइट है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, ये एक, अगर कैमरा आपको दिखा सके जूम करके, तो ये बिल्कुल एक ब्लैक से कलर का यहाँ पे एक आपको स्पॉट नज़र आ रहा है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपने किसी भी कैंची से इसकी आपने कटिंग करनी है जी, कैंची से या कटर से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी है आपने, जो कटिंग का पॉइंट है जी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही होना चाहिए। अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे या थोड़ी सी अगर यहाँ से कटिंग करेंगे, तो आपका जो रोब लाइट का जो पूरा मीटर है, वो पूरी लाइट आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने बड़ी एहतियात से जी इसको आपने यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग के लिए आप कोई भी अच्छी सी कैंची या कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड इसके लिए कोई अच्छी सी कैंची है, क्योंकि कैंची की जो सिमेट्री है वो ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब आप एक ही मतलब टोन में सारी चीज़ काट सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको रखना है, और वही चीज़ है कि जी इस तरफ रखना है कि आपकी जो है ये ब्लैक स्पॉट जो है सिर्फ वही कटे। तो मैं इसको भी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस आप कटिंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे दो वायर्स नजर आ जाएंगी। दो वायर्स भी हैं, दो होल भी हैं। इनका जो कंसर्न है वो ये है कि जो रोब लाइट की जो पिन्स होती हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जिस तरह भी ये देख सकते हैं कि जो कनेक्टर है ये उसकी पिन है, और आगे से इस तरह से सॉकेट है। लेकिन चूंकि हम सीरीज पर यूज़ करते हैं, तो हमने इसके आगे से ये स्विच उतारा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से भी लगा लें तो ठीक है, लेकिन चूँकि हम सीरीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ स्पार्किंग और ये इस तरह के मसाइल के लिए जो सीरीज़ है ये हेल्प आउट करता है। तो आपने मेरा स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहली चीज़ है कि जी सेफ्टी के लिए जब भी आपने घर में कोई चीज़ ऐसी करनी है, तो हमेशा आपने सीरीज़ का या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिससे कोई स्पार्किंग या करंट वगैरह से आप बच सके। तो आपने गाइस करना ही है कि इस तरह से ये जो है पिंस। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ये कनेक्टर्स हैं ये सिर्फ वन साइडेड होते हैं। मतलब अगर आप एक इस तरह से लगा रहे हैं तो ये वन साइडेड ही चलेगा, या इस तरह से लगा रहे हैं तो वन साइडेड चले, एक साइड इसकी चलेगी, एक साइडेड नहीं चलेगी। इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो आपने सिंपली करना ये है कि इसको आपने लगा कर ही देखना है। तो आपने जिस तरह ये दो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ से वायर्स नहीं कर रही हैं, तो ये करंट के फ्लो को बरकरार रखने के लिए आपने बड़ी एहतियात से लगाना है। अगर ये आप सही नहीं लगाएंगे, तो ये स्पार्किंग भी हो सकती है इसकी। सो बड़ी एहतियात से आपने गाइस इसको लगाना है। सो अभी जिस तरह ये पिन मैंने इंसर्ट कर दी, इसके बाद थोड़ा सा जोर लगाकर आपने अच्छे तरीके से इसको इंसर्ट कर देना, और कोई भी इसकी मतलब आपको जो है ना पिन जो है ना बाहर नजर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपने अब इसमें अगर आपके पास कोई सॉकेट है या सीरीज है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। सो गाइस, अब आपने इसकी नेक्स्टली वायर जो है वो सीरीज में या वैसे देनी है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये भी
चल नहीं रहा है, तो आपने सिंपली दोबारा से इसकी वायर रिमूव करनी है और इसका अब आपने एंगल चेंज करके देखना है। एंगल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो साइड है सिर्फ आपने उसी को ही टर्न कर देना है। टर्न करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, ये उसी तरह से मैंने दोबारा लगाया और वायर्स जो हैं वो दोबारा से सीरीज में या जहाँ से भी आप बिजली ले रहे हैं आपने उसमें दे देनी है। तो देखते हैं इसका क्या। जी जैसे आप देख सकते हैं कि ये न्योन लाइट ब्राउन कलर के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से आपके सामने जल रही है। और सेफ्टी मेजरमेंट्स को याद रखते हुए हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ जो है कटिंग करनी है तो इसको आपने उसकी टेपिंग लाजमी करनी है, क्योंकि बेसिकली जब आप घर में कर रहे होते हैं तो आप उसको ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं उनको तो इस चीज़ का पता होता है। तो एक तो इसकी लाइफ को बढ़ाने के, रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेप बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बास टाइम ये जो टाइम के साथ साथ ये जो कनेक्टर्स हैं ये अपनी पकड़ कम कर देते हैं, जिस वजह से उसके अंदर स्पार्किंग होती रहती है और अल्टीमेटली जो स्पार्किंग है वो सारी न्यून लाइट को ही ख़राब कर देती है। तो ये टेपिंग का आपने यूज़ ज़रूर करना है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम भी हो तो ये कोई बड़ा मसला ना बना सके। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये आपके सामने लग चुकी है और न्यून लाइट चल रही है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टे कनेक्टेड विद अस। फर्दर ये नियॉन लाइट सब चीज़ें हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है। हम अपना ई स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं।